बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना पुलिस ने पहली बार नए कानून की धाराओं में लूट की घटना में मामला दर्ज किया और घटना का खुलासा भी किया। गिरफ्तार आरोपियों पर नई धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया था। करौली घाट पर हुई लूट की घटना को ट्रेस कर लिया है। थाना शाहपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करौली घाट पर 2/7/2024 को फरियादिया अनुपमा सरस्वत उम्र 54 साल निवासी बरबट बकाल तहसील संग्रामपुर जिला मुल्ढाना अपनी फर्टिलाइजर की दुकान के लिए बीज का पार्सल लेकर बड़वाह से अपनी कार वैगनआर क्रमांक MH28BQ3814 से ड्राइवर गजानन बानेरे के साथ वापस घर लौटते समय करौली घाट जलगांव जामोद रोड पर देर रात अज्ञात बदमाश मुंह पर काला कपड़ा बांधे मोटरसाइकिल से आए और कार के सामने मोटरसाइकिल अड़ाकर ड्राइवर गजानन की कनपट्टी पर पिस्टल लगा दी और फरियादी अनुपमा के सोने के जेवर लूट ले गए। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना शाहपुर में अपराध क्रमांक 504/2024 धारा 309(4) BNS का पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ की गई थी, जिसमें शाहपुर पुलिस को कामयाबी मिली और लूटे गए जेवर के साथ 4 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना शाहपुर के अंतर्गत करौली घाट में एक महिला अनुपमा जो थी अपना कृषि का पार्सल बीज से संबंधित लेकर देर रात्रि जा रही तो करौली घाट पे दो मोटरसाइकिल सवारों द्वारा पट्टा अड़ा के उनके साथ में मंगलसूत्र छीन लिया था। उस घटना को 2 तारीख को 309(4) भारतीय न्याय संहिता में हमारे द्वारा पंजीकृत किया। थाना शाहपुर की पूरी टीम इसमें लगातार विवेचना में लगी हुई थी और थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा और उनकी पूरी टीम के द्वारा मूल आरोपी जो थे प्रशांत रावण का जो संग्रामपुर थाने का अमोल दत्ता और अविनाश ये चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये चारों के द्वारा घटना घटित की और इसमें अभी तक हम मंगलसूत्र और पिस्टल जब्त कर चुके हैं। शेष चीजें भी पुलिस रिमांड में जब्त कर रही है। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।